मायसेल्फ सुचित्रा पुजारी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज सरोजा एकेडमी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट कॉमर्स बुकलेट ए को, जो कि कंडक्ट किया गया था 27 दिसंबर 2020 को। इसके आंसर की को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट आई वांट टू गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ। माय नेम इज सुचित्रा पुजारी। आई हैव डन माय एमकॉम फ्रॉम केलकर कॉलेज मुलुंड एंड आई हैव क्वालिफाइड नेट विद 99.01% इन दिस अटेम्प्ट। आई वांट टू शेयर अ गुड न्यूज़ विथ यू ऑल। आई हैव प्लान्ड अ लॉट फॉर माय यूट्यूब लर्नर्स, विल इम्प्लीमेंट वन बाय वन। सो next we'll teach commerce topics like law, stats and so on from my own short notes. We'll give short charts, differences to make it clear and precise. We'll solve more questions this time and we'll give you idea about how to choose the right option while solving the paper. And the topics that I'm going to cover are important topics that have been repeatedly asked in PYQ. My first and foremost aim is to cover the PYQ topics. Let us first gain the sure shot marks and let us gain the advantages of topics that have been asked repeatedly. Join my Telegram channel that is linked in below in the description box. Also, you can follow me on Instagram and Facebook for more updates. और ये वीडियो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्ज़ाम के लिए आगे पढ़ना चाहता है या फिर प्रिपेयर कर रहा हो, और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। अ सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ एन एक्टिविटी ऑन सम मीनिंगफुल डिफाइनेबल डोमेन ऑफ कंपनीज एक्टिविटीज़ दैट हैव सोशल इम्पैक्ट इज सोशल ऑडिट। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है जो कि आप रीड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू बोवेन, सोशल ऑडिट इज अ कमिटमेंट टू सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ एन रिपोर्टिंग ऑन सम मीनिंगफुल डिफाइनेबल डोमेन ऑफ द कंपनीज एक्टिविटीज दैट हैव सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। UNCTAD दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1964 एंड इट्स हेड क्वार्टर्स एट जेनेवा। सो UNCTAD 1964 में एस्टैब्लिश किया था और इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में। द IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इन इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश्ड इन January 2019 हैज प्रोजेक्टेड वर्ल्ड आउटपुट टू ग्रो एट -%। तो ये मैंने IMF के ऑफिशियल वेबसाइट से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे दिया है 3.5% इन January 2019। सो 3.5 इज द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिको इज अ मेंबर ऑफ NAFTA एंड NAFTA स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1 January 1994। सो जो NAFTA एग्रीमेंट बनाया गया था वो यूनाइटेड नेशंस, कैनेडा एंड मैक्सिको के बीच में था। दैट इज़ मेंबर कंट्रीज तीन हैं और एंटर इनटू फोर्स इज़ January 1, 1994। सो एक्स एंड वाई बोथ आर ट्रू। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गैट ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस IMF यूरोपियन कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस दिया है और उनके ईयर्स। सो गैट का होगा 1947। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस कब आया था? 1944। सो सेकंड का होगा सी। IMF कब आया था? IMF आया था 1945 में। सो थर्ड का इज डी, यूरोपियन कम्युनिटी, दैट इज रिमेनिंग ऑप्शन, दैट इज बी 1957। सो ए सी डी बी इज ए ऑप्शन। और यहाँ पे मुझे यूरोपियन कम्युनिटी इंटरेस्टिंग लगा, उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। द यूरोपियन कम्युनिटी EC वॉज एन इकोनॉमिक एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय 6 यूरोपियन मेंबर कंट्रीज इन 1957। 6 यूरोपियन मेंबर कंट्रीज कंसिस्टिंग ऑफ 3 कम्युनिटीज दैट इवेंचुअली वेयर रिप्लेस्ड बाय यूरोपियन यूनियन इन 1993। सो 1993 में यूरोपियन कम्युनिटी रिप्लेस होके यूरोपियन यूनियन बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड अंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो होली ओन सब्सिडरी येस, जॉइंट वेंचर येस, एक्विजिशन येस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज नॉट अ मेथड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैंने मेथड्स दिया है
फर्स्ट इज होल्ली ओन सब्सिडरी, या फिर शेयर्स मर्जर और एक्विजिशन, या फिर जॉइंट वेंचर के थ्रू हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एज पर द रीसेंट FDI पॉलिसी 100% इन्वेस्टमेंट थ्रू ऑटोमेटिक रूट इज नॉट अलाउड इन माइनिंग एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ डायमंड्स एंड प्रीशियस स्टोन्स FDI इज अलाउड अप टू 74% अंडर ऑटोमेटिक रूट। सो ऑटोमेटिक रूट में 100% कहाँ पे अलाउड नहीं है, माइनिंग एंड मिनरल्स में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 74% तक अलाउड है ऑटोमेटिक रूट में। ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट आर द रॉन्ग ऑप्शन, राइट इज मटेरियलिटी कंसेप्ट। यहाँ पे क्या बोला गया है, materiality principle states that an accounting standard can be ignored if the net impact of doing so has such small impact on financial statement that a reader of the financial statement would not misled। तो यहाँ से कोई mislead ना होगा। Which essay deals with audit sampling? Audit sampling deals with essay 530, auditors use of statistical and non-statistical sampling when design and selecting the audit sample, performing test of controls and test of details and evaluating the results from the sample. An audit report of company says that company has not provided depreciation for the year amounting 8,50,000. Subject to this reservation, we report that balance sheet says true and fair view, this report is called। So 8,50,000 का depreciation को छोड़कर बाकी पूरा financial statement true and fair view दे रहा है, ये auditor का report है, तो इसे कहते हैं qualified report। Qualified report is a kind of report that states that company's financial records are fairly presented aside from certain areas। It means that most things related to audit have been dealt with except for a few matters at hand। XYZ Limited has a debt equity ratio of 1.5 as compared to 1.3 industry average। It means that the firm has higher financial risk। ठीक है, Which of the following is a result of separate entity concept? Separate entity concept कहाँ पे होता है, Owners capital and drawings में। Research development, buying, selling, sale of scrap are the wrong option। Usually the demand for necessity is highly inelastic। क्यों? क्योंकि सॉल्ट का प्राइस बढ़े या कम हो, हम लोग इतना ही कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, तो द ग्रेटर द नेसेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट द लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक द डिमांड विल बी, बिकॉज सब्सटीट्यूट्स आर लिमिटेड। द मोर लग्जूरियस द प्रोडक्ट इज द मोर इलास्टिक डिमांड विल बी। सब्सटीट्यूट भी लिमिटेड है तो हम उसे ही परचेस करते जाएंगे। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एडिक्टिव प्रोडक्ट्स लाइक सिगरेट्स एंड अल्कोहल वुड बी लेस देन 1। द ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी द हायर द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड। फॉर टबैको प्रोडक्ट्स प्राइस इलास्टिसिटी इज यूजुअली लेस देन 1 और टबैको डिमांड इज प्राइस इनइलास्टिक। इट मीन्स व्हेन प्राइस इंक्रीजेस tobacco consumption decreases by a lesser percent as compared to the price increase। तो यहाँ पर क्या दिया है, मेन जब भी price increase होगा सिगरेट का तो उसके हिसाब से जो demand है वो decrease कम percent से हो रहा है। ठीक है, less percent compared to the price increase। तो ये answer क्या होगा, less than 1। Which one of the following products has highly inelastic demand? So salt is highly inelastic। Salt has inelastic demand, this is because salt has no close substitutes and makes up a very small amount of the household budget। Due to this, a change in price of salt has little or no impact on its quantity demanded। तो ये ऐसे होगा।
Which of the following is not a method of measuring price elasticity of demand? So, ratio method है, outlay method भी है, geometric method भी है, psychographic method ऐसा कोई method नहीं है. So, answer is C. Usually, isoquants are convex to origin. That is simple. Isoquants are convex to origin, not concave, parallel, perpendicular to origin. So, option number B is the correct answer, convex to origin. Next, average cost and marginal cost are U-shaped and average cost curve and this is a marginal cost curve. So, average cost curve cuts marginal cost curve from below? No. MC curve cuts average cost curve from the below. So, option B is the correct option. Marginal cost curve cuts average cost curve from below. Which of the following is not true? Opportunity cost is the cost of alternative opportunity lost. Yes, it is true. During short run, some factors are fixed. Yes. Variable cost is a prime cost. Yes. Total cost equals to total fixed cost plus average variable cost. This is the wrong option. Total cost is what? Total fixed cost plus total variable cost, not average variable cost. So option number D is the correct option. Additional cost incurred on producing one more unit is known as marginal cost. Simple hai. The imposition of a lump sum tax will result in upward shift of both the average fixed cost and the average total cost curves. Since a lump sum tax is like a fixed cost to a monopolist, its imposition will result in an upward shift of his total cost curve by vertical distance equal to the amount of tax. The demand curve for a perfectly competitive firm is horizontal straight line. The producer confronts an infinitely elastic demand for its product. The demand curve faced by a firm in a perfectly competitive market is infinitely elastic. Graphically, this means that it is horizontal line at the market price. So, option number A is the correct option. Which of the following is not function performed by financial system? Saving function, yes. Liquidity function, yes. Risk functions bhi hai. Social function naam ka koi function nahi hai. So, option number D is the correct option. Which of the following statement is not the assumption of MM approach? Corporate income tax is assumed to be absent, yes. There does not exist any transaction cost, yes. The dividend payout is 100%, yes. Personal leverage and corporate leverage are not perfect substitute. This is not the assumption of MM approach. So, option number D is the correct option. The process of converting cash flow into present equitable is called discounting. Agar present mein la rahe ho, to use discounting kehte hai. Aur agar future ka ho, to use compounding kehte hai. So, discounting is the process of determining the present value of a payment or a stream of payment that is to be received in future. Which of the following factor does not affect the capital structure of the company? So, answer is composition of a current asset, not cost of capital, expected nature of cash flow, dilution of control. These are the wrong option. The method of raising equity capital from existing members by offering securities on pro rata basis referred to as right issue. A right issue is a primary market offer to the existing shareholders to buy additional shares of the company on pro rata basis with a specified date at a discount price than the current market price. Nominal interest rate is the product of real interest rate and rate of inflation. This is the correct option. Unlike the nominal rate, the real interest rate takes the inflation rate into account. The equation that links nominal and real interest rates can be approximated as
nominal rate equals to real interest rate plus inflation rate. So option number A is the correct option. International capital budgeting incorporates only financial factors. Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, is a sister institution of the World Bank. Arithmetic mean of salary of 100 males in a company is 20,000 per month. So information kya diya unhone? Arithmetic mean of 100 employees. N1 is what? 100. X bar 1, that is mean is 20,000. And that of 50 females. 50 females is 17,000 per month. The arithmetic mean of salary of the combined group of males and females in the company is dash. So, formula kya hai? N1 x bar 1 plus N2 x bar 2 upon N1 plus N2. Jab hum ise solve karenge, to N1 is what? 100 into 20,000 plus N2 into 17,000. This whole divided by 100 plus 50. जब इसे हम solve करेंगे तो answer आ रहा है 19,000. So option number B is the correct answer for this question. If A and B are mutually exclusive events, then probability of A dash union B is what? पहले तो ये mutually exclusive है. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के जैसा. ए यूनियन बी होता तो डायरेक्टली मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देती. यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश. सो आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. गिवन दैट रैंक ऑफ X rank of Y, the spearman's rank correlation is. So, पहले बात तो X का rank क्या है? 1, 2, 3, 4 and 5. Y का rank है 5, 4, 3, 2, 1. Simply यही से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इन लोगों का negative correlation है. जैसे कि X ने 1, 2, 3, 4, 5 किया है ranking. Y ने क्या किया? 5, 4, 3, 2, 1. तो opposite सोच रहे इन लोग. तो answer क्या होगा? Directly -1. अगर आपको exam में ऐसे questions आए तो directly solve किए बिना answer करना है. यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? Negative relation दिखाई दे रहा है. जब X ने 1 दिया है तो Y दे रहा है 5. जब X ने 2 दिया है तो Y कर रहा है 4. सो यहाँ पे क्या कर रहा है? Exactly opposite उन्होंने ranking दिए है. ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ तो कैसे सॉल्व करूँगी? X एंड Y दिया है, अब मैं निकालूँगी डिफरेंस. 1 - 5 दैट इज़ -4, 2 - 4 -2, 3 - 3 0, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4. अब करूँगी डी स्क्वायर. -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, 0, 4, 16. सो डी स्क्वायर आया 40. अब फॉर्मूला क्या है? R is equal to 1 - 6 summation d square upon n into n square minus 1. So 1 - 6 summation d square is 40. N is what? 5. N square is what? 25 minus 1. 1 - 5 ones are 5, 8s are. ठीक है, सो 6 8s are 48, 25 - 1 दैट इज 24, 24 1s are 24, 2s are 1 - 2, 1 - 2 दैट मीन्स -1 इज द करेक्ट आंसर. सो सी आ रहा आंसर वैसे भी सॉल्व करके. नेक्स्ट इज व्हाट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. Mean equals to variance is the correct option. For testing equality of two population properties, we use F-test. So, F-test is used
to test if the variance of two populations are equal. Okay? As sample size increases, sampling errors. जैसे जैसे sample size increase होगा, वैसे वैसे जो errors है, छोटे छोटे errors है, वो होंगे decrease. So option number B is the correct option. ये सबसे ज़्यादा repeatedly पूछा गया question है. Dash means the practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own. तो किसी और का काम को अपना बताकर प्रेजेंट करना, दैट इज़ प्लैगियरिज्म. ये क्वेश्चन पेपर वन जून 2019 में भी पूछा गया था, इस बार पेपर टू में पूछा है. रिसर्च के टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं पेपर वन एंड पेपर टू के लिए. ठीक है, तो ये याद रखना. द एडवांटेजेस ऑफ डैश इज दैट इट अवॉइड्स री इन्वेंटिंग द व्हील ऑफ रिसर्च वर्क. तो पहले जो रिसर्च वर्क कंप्लीट किया गया है उसे फिर से करने से अवॉइड क्या करता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर. अगर हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है तो फिर से हम रिपीटेडली किया हुआ ही वर्क फिर से रिपीट नहीं करेंगे. द बुक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज इज ऑथर्ड बाय डगलस मैकग्रेगर. तो ये जो डगलस मैकग्रेगर थे उन्होंने क्या किया, ह्यूमन साइड एंटरप्राइज ये बुक लिखा है और इन्होंने फोकस किया है थियरी एक्स एंड वाई अप्रोच ऑफ लीडरशिप. मैकग्रेगर रिसर्च फोकस्ड ऑन मैनेजरियल लीडरशिप एंड द वेज इन विच एम्प्लॉयज आर अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट स्टाइल्स ऑफ द सुपीरियर्स. हिज 1960 बुक द ह्यूमन साइड एंटरप्राइज फोकस्ड ऑन थियरी एक्स एंड थियरी वाई. इसे भी मैं आगे अपने कॉमर्स के डिटेल वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी. नेक्स्ट, डैश इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इनहेरिटेडली कौन से चीज़ नहीं आते. इंटेलिजेंस, रिलीजन, परसेप्शन होता है. एज इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल डैश प्रिफर्स टू यूज द टर्म स्टाफ असेसमेंट. लेविंसन इज द करेक्ट आंसर. डैश इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. सो इनफॉर्मल रिलेशंस आर अनप्लान्ड, आर स्पॉन्टेनियसली, येस. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप, येस. फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, येस, दैट इज ट्रू. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज हायरार्कियल, पिरामिड शेप्ड एंड ब्यूरोक्रेटिक इन स्ट्रक्चर विथ वेल डिफाइंड पोजिशन. तो इनफॉर्मल में ये सब नहीं होता है. सो D is the correct option. Dash cannot be considered as the ethical principle. So, equivalent price is not the correct option. The factor that does not increase the resistance to change is participation and involvement of employees. Which one of the following is not true about the delegation of authority? Delegation of authority may be specific or general, yes. Written or unwritten, yes. Upward or downward, yes. Precise or vague, this is not the correct option. So option C is the right answer for this question. Zero-based budgeting is the new approach to the budgeting which was introduced by Peter Fire. In 1970s, zero-based budgeting starts from a zero base at the beginning of every budget period, analyzing needs and cost of every function within an organization and allocating funds accordingly regardless of how much money has previously been budgeted to any given line item. Which one of the following is not the external factor affecting recruitment? So cultural is not the external factor affecting recruitment. The word organizational development, OD, was coined in the mid-1950s by Richard Packard. Douglas and Richard Packard, while consulting together at General Mills in 1950s, coined the term organization development to describe an innovative bottom-up change effort that fit no traditional consulting categories. The best procedure for opening an account in the name of minor X and the guardian Y would be under the style of Y in trust of X.
The banker's fair practice code was brought out in June 2004 by IBA. IBA had brought banker's fair practice in June 2004 and all members banks had adopted it voluntarily. Dash is the credit limit for funded or non-funded business allowed by bank or financial institution to other banks or government to other parties is a lines of credit. Ye kya hota hai? Present borrowing limit that can be used at any time. The borrower can access funds from the line of credit at any time as long as they do not exceed the maximum amount or credit limit set in the agreement and meet any other requirements such as making timely minimum payments. Both loan and lines of credit let consumers and business to borrow money to pay for purchase or expenses. Common example of loans and lines of credit are mortgage, credit cards, home equity lines of credit and auto loans. Not negotiable crossing is warning to the holder. Dash is measure of sensitivity of future cash flows and profits of bank to unanticipated exchange rate changes. This is operating exposure, not operational translation transaction. Economic exposure, also known as operative exposure, competitive exposure or revenue exposure, measures the impact of exchange rate on the new present value of expected future cash flows from foreign investment project. तो इसके इतने सारे नाम भी हैं. AAA symbol used by CRISIL describes highest credit quality. Instruments with this ratings are considered to have the highest degree of safety regarding timely servicing of financial obligations. Such instruments carry lowest credit risk. So option number A is the correct answer. Dash have jointly promoted the National Securities Depository Limited, NSDL. NSDL promoters are IDBI, UTI and National Stock Exchange. National Securities Depository Limited is an Indian Central Securities Depository based in Mumbai. It was established in August 1996 as the first electronic security depository in India with national coverage. It was established based on a suggestion by a national institution responsible for the economic development of India. 69. Dash is an exchange of specific streams of payment over an agreed period of time. So this is called future. Futures are financial contracts, obligation the buyer to purchase an asset or seller to sell an asset and have predetermined future date and price. 70. Operational risk arises from inadequate or failed internal process, people and system, or from external events. So, ये तीनों options है. तो default is the correct option for this question. Dash divides buyers into groups based on their knowledge, attitudes, uses or responses to a product is known as behavioral segment. Behavioral segments is about understanding customers not just by who they are but by what they do. Using insights derived from customers' actions, it allows a business to divide customers into groups according to their knowledge of attitude towards use of or response to a product, service or brand. People, planet and profit are another three P's associated with green marketing. Green marketing is what everything that the company does focuses on the triple bottom line. People, planet, profit for the greater good from their products which are made using only natural recycled or renewable materials to their philanthropic efforts that seek to help create a sustainable community. So option number B is the correct answer. Dash consists of launching the new product at a low price and spending heavily on promotion. So
दिस इज वॉट रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी. डैश इज द पॉजिटिव डिफरेंशियल इफेक्ट दैट नोइंग द ब्रांड नेम हैज ऑन कंज्यूमर रेस्पॉन्स टू द प्रोडक्ट और सर्विस. तो इसका आंसर होगा ब्रांड इक्विटी बेस्ड ऑन कोटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग 2006. Brand equity is the positive differential effect that knowing the brand name has on customer response to the product or service. Brand equity consists of several dimensions: brand loyalty, brand awareness, perceived quality of brand, brand image, and brand association. तो ब्रांड इक्विटी के अंदर ही ये तीनों भी आता है. अ फर्दर थ्री पीस आर इनकॉर्पोरेटेड इन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज. सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को छोड़कर जो नेक्स्ट थ्री पीस है वो क्या है? सो पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस एंड पीपल. These are 7 P's of marketing mix. Dash are special displays, racks, showcases, banners, exhibits, signage, etc. that are placed in the retail store to support the sale of brand by the manufacturer or marketers are known as promotion. Dash involves consumers to consumer marketing where consumer directly sell products or services to other consumers using the internet, that is C2C. Consumer to consumer markets provides an innovative way to allow customer to interact with each other. Traditional markets require business to customer relationships in which a customer goes to the business in order to purchase a product or services. Dash means classification of standardized product into certain well-defined classes or groups. This is known as gradation. The time for revocation of offer and acceptance is defined under Section 5 of Indian Contract Act 1872. Lays out the rules of revocation of an offer in Section 5, and Section 5 also states that acceptance can be revoked until the communication of the acceptance is completed against the acceptor. So, offer and acceptance ka revocation ka time kisme diya hai? Section 5. What does I stands for in IGST? So, IGST mein I stands for integrated. IGST kab lagta hai? IGST lagta hai interstate supply pe. Agar aap Haryana se महाराष्ट्र कोई सामान बेच रहे हो तो यहाँ पे दो स्टेट इन्वॉल्व है, तो इन दोनों के बीच में जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो IGST लगेगा. ठीक है, अगर आपको GST और अच्छे से डिटेल ही पढ़ना हो तो आप मेरे चैनल पे GST के वीडियोस देख सकते हो. मैंने वहाँ पे 5 वीडियोस बनाए हैं GST के ऊपर. यू कैन चेक इट आउट इन माई चैनल. वॉट इज़ द फी फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005, that is ₹10. A citizen who desires to seek some information from public authority is required to send along with application a demand draft or banker's check or an Indian postal order of ₹10 payable to the accounts officer of the public authority as fees prescribed for seeking information. As per section dash of the Patent Act, patent is not granted in respect of invention relating to atomic energy, that is section 4. Invention relating to atomic energy not patentable, no patent shall be granted in respect of an invention relating to atomic energy falling within the subsection 1 to 20 of the Atomic Energy Act 1962. Which of the following forms are used for GST registration? GSTR registration 1. So, ये form use करते हैं registration के लिए. Lalman Shukla versus Gauri Dutt 1913. ये famous है. किसके लिए? Acceptance के लिए. So, first का क्या है? A. Thomas and Thomas is for consideration. Bernard and Haggis is for capacity to contract. Peake versus Garnet is for misrepresentation. So A, B, C, D. A is the right option. Match the following groups with reference to Information Technology Act 2000. So, access is section 21, subsection A.
कंप्यूटर इज फॉर सेक्शन 2-1 सबसेक्शन आई, डेटा इज फॉर 2-1 सबसेक्शन ओ, डिजिटल सिग्नेचर इज सेक्शन 2-1 सबसेक्शन पी. सेक्शन 2-1 सबसेक्शन पी इज फॉर व्हाट? डिजिटल सिग्नेचर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4D इससे ही आंसर निकल रहा था. डैश इज डिफाइंड इन चैप्टर 11 फ्रॉम सेक्शन 65-78 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. तो ऑफेंस यहाँ पे डिफाइन किया है, चैप्टर 11 ऑफेंसेस सेक्शन 65 से सेक्शन 78. ये इंफॉर्मेशन को आप रीड करिएगा. सेक्शंस दिया है मैंने यहाँ पे. सेक्शन 65 इज व्हाट? टैम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट. सेक्शन 66 इज फॉर कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस. सो ये सारे चैप्टर 11 सेक्शन 65 से 78 तक ऑफेंसेस के हैं. द सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन CIC इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. कमीशन इंक्लूड्स चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमीशन हु विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा. एवरी LLP हैज टू फाइल एन एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद द रजिस्ट्रार विद इन 60 days ऑफ क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. सो आंसर इज सी. इनकम विच accrues इन सिंगापुर फ्रॉम बिजनेस नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इज, फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. तो अगर इंडिया में ही इनकम एक्रू अराइज या फिर अर्न किया है तो रेसिडेंट भी टैक्सेबल होगा. रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट सारे तीनों के तीनों टैक्सेबल होंगे. अगर बिजनेस कंट्रोल किया है इंडिया से तब रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्सेबल होंगे. लास्ट इज व्हाट? नॉट कंट्रोल्ड. ठीक है, नॉट कंट्रोल्ड बाय इंडिया. तो यहाँ पे सिर्फ अगर रेसिडेंट है तो ही टैक्सेबल होगा. सो इनकम विच एक्रू इन सिंगापुर फ्रॉम बिजनेस नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल नहीं किया तो ये वाला केस पूछ रहा है वो. सो आंसर क्या होगा? टैक्सेबल ओनली फॉर नॉन रेसिडेंट. क्या बोल रहे हैं? टैक्सेबल ओनली फॉर नॉन रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल होगा? ऐसा तो नहीं है. नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट. नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट येस. तो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट को टैक्स नहीं पे करना है तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है फिलहाल. तो नेक्स्ट क्या दिया? टैक्सेबल ओनली फॉर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. यहाँ पे टैक्सेबल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा. ठीक है, नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ SSCs. तो ये तीनों टाइप SSC में टैक्सेबल ही नहीं होगा, ये भी गलत है. तो आंसर क्या होगा? नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट. नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट, टैक्सेबल फॉर ओनली रेसिडेंट. इन्होंने कैसे घुमाया देखो, नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट. तो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. और ये छोटा सा टेबल है जिसके थ्रू हम रेसिडेंशियल स्टेटस को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे. एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए ये फटाफट चार्ट ड्रॉ कर लेना, जिससे जब भी आप इंटरप्रेट करो क्वेश्चन को तो कभी गलती ना हो. जैसे कि सामने चार्ट होगा तो हम लोग उसे डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया आप लोगों को. ठीक है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर हु अंडर द रिलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एम्प्लॉई और सर्वेंट ऑफ अ कंपनी इज एसेसेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम अदर सोर्स. ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर हु अंडर द रिलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एम्प्लॉई और सर्वेंट ऑफ द कंपनी इज एसेसेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ऑन 12th December 2018 सचिन a minor child received gift of 5 lakh from other than his relative persons. तो other than the relative person है तो taxable होगा. ठीक है, on the same day the amount was deposited in bank on which interest of 14,750 was received for previous year ending 31st March 2019. then his income will be clubbed with father income or mother income at the option of parents.
एनी इनकम अर्नड बाय अ माइनर चाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शुड बी क्लब्ड इन इनकम ऑफ द पेरेंट एंड टैक्स्ड अकॉर्डिंगली. इन केस बोथ पेरेंट्स आर अर्निंग, द इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड शुड बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर. ये और वाला ऑप्शन सही होगा. In case of non-corporate SSC expenditure which do not qualify for deduction under section 35D subsection 2 is expenditure on acquisition of machinery. Which of the following consideration is not taken into account in the make or buy decision in tax planning? So answer is market for the product. Next, as per section 44ADA, resident SSC engages in specified profession has to pay income tax at 50% of gross receipt not exceeding rupees 50 lakhs in a previous year. तो यहाँ पे दिया है 50% is the correct answer. Last question of the day, rebate for resident individual having total income up to 3,50,000 1920 under section 87A of Income Tax Act 1961 is 100% of income tax or 2,500 whichever is lower. A rebate under this section is allowed to taxpayer being a resident individual whose net income is below 3,50,000. The rebate available is up to 2,500 or 100% of income tax, whichever is lesser. ठीक है, simple था. On the demand of my learners, जितने भी questions के मुझे सही answers पता थे, उसी को मैंने इस video में discuss किया है. I hope you enjoyed this session. Thank you. Keep learning, explore more, stay curious, join the Telegram channel for PDF, follow us on Instagram, Facebook for updates. Thank you. Bye. Milte hain next lecture mein.